हाँ प्रणाम सर। सर प्रणाम। सर हमारे बच्ची के साथ बहुत सारा ये दुर्व्यवहार किया गया है। हमारी बच्ची को थाना में जो है कि मुंशी एक जो है उसके साथ दुराचार करने का कोशिश किया। बीच बचाव में वो मारी है। मुझे खबर की मैं आई पूर्णिया से, वहां से आने के बाद 2-3 स्टिक मैं मारी कि मेरी बच्ची को तुमने हाथ कैसे लगाया। तो वो जी सीसीटीवी कैमरा में आ गया। सीसीटीवी कैमरा में आ गया तो उसके बिने पे उसे उसने काउंटर केस किया है। मैं पहले केस की थी और जी काउंटर केस किया है कि हमारी हमें दोनों माँ बेटी मिलके बड़े बुरे तरह से मारने की कोशिश किया है। मेरा सिकरी छीन लिया, 2,000 रुपया छीन लिया, ये सब केस किया हमारे ऊपर। अच्छा, और एक बात उसके बाद बताइएगा, जी एक बात मैडम बताइएगा कि जब जी आपकी बच्ची कमरे में थी तो कमरे में कोई भी अगर आदमी रहता है तो अंदर से लॉक रहता है, वो कमरा अच्छा लॉक था सुनिए या सुनिए। खुला? हाँ ये बात बता रही हूँ मैं। कमरा का क्या था कि 3 मंजिला मकान ये थाना है। जी तो ग्राउंड ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरा है, फर्स्ट में सीसीटीवी कैमरा है, सेकंड में सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिससे मुंशी सोता था सेकंड में, थर्ड में सीसीटीवी जी कैमरा नहीं है। और सबसे ऊपर जो कमरा छोटा सा कमरा है जिसमें छोटा छोटा बेड लग रहा था, जिसमें 3 लड़की सिर्फ उठ सकती थी, चौथा का पर वहाँ हो ही नहीं सकता था। जो पहले से रह रही थी उन लोगों को रूम में रखा गया, जो बाद में हमारी बच्ची गई तो उसको बाहर बरामदे पे दिया गया जिसमें गेट नहीं था। ये जी बार बार उसका कंप्लेन की, यहाँ मेजर से कंप्लेन की, वहाँ का थाना प्रभारी था नीरज कुमार उससे कंप्लेन की, यहाँ पर शरद यादव था उसको कंप्लेन की, यहाँ तक जी कि एसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना इसकी बात कि सर हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं, या तो यहाँ से ड्यूटी हमारे हटा दीजिए या तो गेट लगा दीजिए। लेकिन कोई नहीं सुना उसका, बोला कि वहाँ जेंट्स नहीं जाता है। और कैमरा जी ना रहने का फायदा उठाया वो, अजय कुमार सिंह था तो जी फायदा उठाया, चुपचाप ऊपर गया और सारी लड़की को पर दरवाजे, जो लड़की तीनों अंदर रह रही थी उसका जी दरवाजा पहले उन्होंने बंद कर दिया अजय कुमार सिंह, और मतलब मेरी बेटी बाहर को मैं बाहर चढ़ा, से कमरा लॉक जी कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ उसका पर दरवाजा लॉक कर दिया और मेरी बेटी को मैं चढ़ाने में घुस के इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। ऐसे नींद इसका खुला तो जितना हाथ पे चलाना होता है, जितना मोबाइल से मारना, मोबाइल था पास, मोबाइल से ही मारी उसको और वो भागने लगा। तब तक मैं दरवाजा देखी हुआ इससे चिल्ला रही थी अंदर से, लड़की लोग बोली क्या हुआ श्वेता क्या हुआ। तो उसके बाद जो है कि अंदर से जो लड़की लोग नहीं आई तब ये देखी कि दरवाजा बाहर से बंद है। जब तक कि दौड़ के खोलने गई तब तक वो जी मुंशी नीचे जाके जिस जगह पे था उस जगह पे आराम से लेट गया और ऐसा बन रहा था कि जैसे उसने कोई गलती ही नहीं किया है। जी उसके बाद फोन किया गया प्रभारी को, प्रभारी जी को फोन किया तो प्रभारी जो है कि आया वहां से और उसको जो है मुंशी को मारते हुए नीचे लाया और मारा। जी 2-3 लड़कियां थी वो भी मारी उसको। और उसके बाद जो है कि श्वेता भी मारी, हमारी बच्ची भी मारी। उसके साथ जो जी अन्याय हुआ है सर उसके उसके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, एक मिनट मैडम, जब हंगामा वो की, जब वो मुंशी उसके बेड पे चला गया, तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आया था? सबसे लिए मदद के लिए तो जो है कि सबसे पहले तो थाना प्रभारी को फोन किया गया, वहाँ जो तो प्रभारी थे अजय ये नीरज कुमार वो आए ऊपर, वो पूछताछ किए, नीचे लाए उसको, पूछताछ किए कि तुमने ऐसा क्यों गलती किया। तो बोला नहीं सर हम सर वहाँ हमसे गलती हो गया, ये बात जी गलती हो गया, इस पर मारा उसको। और उल्टा केस उसको समझाया कि तुमको ये चीज नहीं बोलना है, बाद में समझा दिया कि जी उसको ये चीज नहीं बोलना है कि गलती हुआ है, तुम वहाँ गया ही नहीं ये बोलना है, ऐसा केस बनाया उसने। ठीक जी है अच्छा, और जब पहले से आपको मारा कॉल है किया गया, एक मिनट, जब आपको कॉल किया जी। गया, मेरी आपको कौन कॉल किया था? बेटी कॉल की कि मम्मी जितना जल्दी हो आओ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया है मुंशी, जितना जल्दी हो आ जाओ मम्मी। जब आप महेशखुट थाना पर पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ? जब महेशखुट मैं समझी पहुंची वहां पे तो सारे लोग वहां पे जो बहुत सारे लोग थे, भीड़ लगे हुए, मीडिया वाले सारे लोग पहुंच गए थे, सबको कानो कान खबर हो गया था इस बात का। सारे लोग आए हुए थे और कहे कि मैडम बोलिए क्या बोलना है। हम लोग बोले कि इसको सजा दिला, हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं आई तो सबसे पहले उससे पूछने गई, वो हमसे चढ़िया आया, बदतमीज से कोशिश किया पेश करने का, बदतमीज से हमारे साथ बात करने की कोशिश किया। तो उसको 2-3 स्टिक में मारी कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तो पत्नी नहीं, 3 बच्चे का बाप है वो, एक लड़का है। और वो सारे होते हुए हम बोले इतने बच्चे को बाप है और बेटी जैसी तुम्हारी है उसके साथ तुम गलत करने की कोशिश किए हो, तुमको शर्म नहीं आता है? 2-3 स्टिक में मारी उसे जो कि सीसीटीवी कैमरा में आ गया। उसके बाद में आपने वैसी कंप्लेन मुंशी जी मुंशी को आप मारे? मुंशी को मैं मारी। जी ठीक उसके बाद जो है कि मैं कंप्लेन लिखने बैठी, कंप्लेन हुआ लिखे, जो कंप्लेन इसमें रियल बात था ये लिखी, सारा लिखा गया यहाँ पे उसको। वहाँ का नीरज कुमार जो थे हमारे वहाँ के वो थाना उसको अध्यक्ष फाड़ दिए, थाना अध्यक्ष जो जी थे उसको फाड़ दिए, मेन कंप्लेन को फाड़ दिए, बोले कि ये सब नहीं लिखाएगा। और उसको श्वेता को ले जाके अंदर में रूम में बैठा के बोले कि मेरे सामने लिखो कंप्लेन, और सिंपल जी कंप्लेन लिखवाया जिससे कि बड़ा केस ना बने, और इसको जी धमका के अंदर में लिखवाया, मुझे बाहर बैठने कहा और इसको अंदर बैठा के कंप्लेन लिखवाया। जो अच्छा, उस कंप्लेन में कि क्या कंप्लेन लिखा गया था? में लिखा गया कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया गया, छेड़छाड़ जी छेड़छाड़ लिखा छेड़छाड़ लिखवाया वो,
और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, आपने बीच बचा में बीमारी हूँ और एससी एसटी का जो है कि ये भी जो है कि उसमें लिखा गया है, बस यही कम्प्लेन है। धारा कौन सा था? एक बात बताइएगा, जब आप थाना जज को एप्लीकेशन दिए और मुंशी भी एप्लीकेशन दिया कि जबरन मेरे साथ मारपीट किया, चेन छीन लिया, पैसा छीन लिया, तो दोनों पे सबसे पहले प्रतिक्रिया और जांच जो एसपी द्वारा अमितेश कुमार का जो आदेश है कि इस घटना को संज्ञान में लेके जांच करना है, तो जांच की कार्रवाई कहाँ तक हुई? कार्रवाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस कर्मी जितने भी हैं सारे अपने 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 इज्जत को बचाने में लगे हुए हैं कि थाना का ये नहीं हो, बुराई ना हो, थाना का इज्जत ना जाए, हमारा वर्दी ना छीना जाए, इस कोशिश में सारे लोग लगे हुए हैं उसी का साथ देने में। और सारे लोग जो कि बयान लिए थे, लड़कियों का भी बयान लिए थे, कुछ दिन पहले दो तीन लड़की थी वहां पे जो हमसे बताई कि आंटी ये आता था ऊपर में, जब हम लोग कपड़ा बदल रहे हैं तो एक बैग लाद कर आता था कि ना कोई ड्यूटी के लिए बुला रहे हैं, तभी दो लड़की छुट्टी पर ड्यूटी पर जा रही है, एक लड़की अकेली है तो रूम में आके बैठ जा रहा था वो मुंशी। तो ये हरकत इसका दो तीन दिन से देख रहे थे हम लोग चारों लड़की प्लान बनाए थी, एक लड़की छुट्टी पे थी, उन्हें तीनों लड़की प्लान बनाए कि मॉर्निंग में जाके सर को कम्प्लेन करना है, उसी दिन मॉर्निंग में कम्प्लेन करना था, उसी दिन 3:30 बजे सुबह में ये घटना घटा। तो मुंशी का कहना है कि ये सब जब पहले से हरकत देख रहे, वो आँख प्रभारी का कहना है जब ये सब हरकत देख रहे थे कम्प्लेन क्यों नहीं करे, बोले कि उस दिन कम्प्लेन करने वाले थे हम लोग लेकिन उसी दिन मॉर्निंग में ये घटना घट गया। ये घटना कितने बजे के आसपास घटी थी? जी 3:30 बजे के लगभग, 3:30 बजे भोर में 20 तारीख को। आप थाना पे कितने बजे? अभी मैं 1 बजे वहाँ पहुँची थी, कल होके 1 बजे जी हाँ पूर्णिया से मैं चली थी, 1 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी जी। और उसके बाद जो है ये सब विचार करते कि भाई क्या करना है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि केस करे क्या करे, भाई लड़की की बात है इज्जत की, इज्जत का चला जाएगा, ये सब सोचते हुए लगता है किसी भी लड़की वाले का लगता है कि मेरा इज्जत का ना उछालो, सारे लोग यही सोच रहे थे करे या ना करे केस। सिर्फ लास्ट में हम केस की प्रभारी का प्रेशर भी बन रहा था कि आप केस करना, केस करिए, और उसके पहले उसका केस मुंशी का केस पहले तैयार कर लिया, बोला कि आप केस नहीं करेगा तो वो केस करने जा रहा है। उसके बाद हम लोग बोले कि पहले सारे लोग बोले वहाँ पे हमारे कुछ जान पहचान के थे, बोले कि भाई पहले हम बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, पहले केस इसका होना चाहिए, पहले केस मेरा लिए और पहले केस मेरा लिए और उसके बाद जो अभी इसको ये सस्पेंड भी कर दिया है और यहाँ अलौली थाना जो कि आउट एरिया में है कह रहा है वहाँ ड्यूटी करने के लिए। इस टेंशन में बच्ची 5 दिन से खाना नहीं खा रही है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, चक्कर आके गिर गई और उसे अभी मैं पानी चढ़वा रही हूँ, बहुत स्थिति खराब है, बोल नहीं पा रही है सही ढंग से वो। इस स्थिति में कैसे जॉब वहाँ जाएगी, ज्वाइन करे कैसे हो जाएगी अलौली थाना? मानसिक रूप से वो बीमार हो चुकी है। मानसिक रूप से नहीं, ये जो मानसिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इसको दिया गया है इतना उत्पीड़न दिया गया है वो टेंशन में तो है, मानसिक रूप से कहा जाएगा तो वो पागल घोषित कर देगा जी। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है? जी हाँ सस्पेंड कर दिया गया है। अभी है कहाँ लड़की? लड़की सदर में भर्ती है, पानी चल रहा है अभी। अच्छा इसमें अभी फिर थाना अध्यक्ष को आप लोग जाके कुछ बोले कि नहीं? नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोली हूँ, एसपी को मैं छुट्टी के लिए मेल करवाई हूँ मेल पे, और यहाँ का जो अभी कार्ड ये था ये जो भर्ती हुई है उसका कागज का मैं फोटो खिंचवा के मेल करवाई हूँ जी। तो आगे आपका क्या प्रतिक्रिया? आगे मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, सारे लोग पुलिसकर्मी अपने वर्दी बचाने के चक्कर में है, अपने थाना को ये बदनाम ना हो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं, और जो मुलजिम है उसको बचाने की कोशिश में सारे लोग लगे हुए, एसपी तक लगे हुए, एसपी ही सस्पेंड किए हैं हमें, और थाना प्रभारी एसपी तो बहुत सीधे लगते हैं, शायद नहीं किसी की कठपुतली जैसे नाच रहे हैं वो, जैसे मेजर कह रहा है जैसे थाना प्रभारी कह रहा है उसके कहने पे चल रहे हैं। हम लोग से मिलने की कोशिश मैं बार बार की हूँ, मैं ऑफिस गई हूँ, मैं लाइन में गई थी, पुलिस लाइन में गई थी, वहाँ सर आए हुए थे, मैं गेट पर काफी देर खड़ी रही लेकिन सर निकल गए चुपचाप और बोले कि रुक जाइए रुक जाइए, मैं रुकी रही, बाहर निकले और गाड़ी में बैठे चले गए, मुझसे नहीं मिले एसपी जी, एसपी नहीं मिले, सब थाना प्रभारी जो कहते हैं उसका सुनते हैं वो और हमारी बात नहीं सुनते हैं। अच्छा इसका क्या नाम है मुंशी का? मुंशी का अजय कुमार सिंह नाम है, मेरी बच्ची का नाम नहीं आना चाहिए सर। अच्छा एकदम नाम रहेगा। और ये मुंशी के पिता का नाम? मुंशी का पिता का नाम देखना पड़ेगा, वो कंप्लेन वाले में देखना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार है वहाँ पे? जी हाँ नीरज कुमार है जी। एक
ये और जब, हाँ बताइए। जी, और यहाँ का जो सारा ये हमारे जो शरद कुमार है यहाँ के जो ड्यूटी लगाते हैं, जी ये शरद कुमार है यहाँ के मेजर हैं, जी वो जबरदस्ती भेजे थे, उनके पास मेरी बच्ची भेजी थी, व्हाट्सएप पे सारा भेजी थी वीडियो बना के कि सर देखिए यहाँ गेट नहीं है, मैं अनसेफ महसूस कर रही हूँ, बार बार कंप्लेन, बार बार गिर गिराई, लेकिन वो सुने नहीं। बोले कि मेरी बच्ची बोली बार बार कि सर यहाँ ड्यूटी है तो दूसरी जगह दे दीजिए या तो गेट लगवा दीजिए, लेकिन वो जी नहीं सुने, उन्हीं के कहने अनुसार सारे लोग चल रहे हैं। और अच्छा। एक एक दिन मुझे हाजत में रखा, एक दिन मुझे रखा गया पकड़ के, ये हुआ कि हम लोग को पहले बोला गया कि महिला थाना में कंप्लेन करिए, एसपी से मिलने गए, 2-3 घंटा मैं वेट की, एसपी नहीं मिले, उसके बाद महिला थाना में कहा कि महिला थाना हैंडल आपके केस कर रहे हैं, उनके पास जाइए, उनके पास गए, सारा बयान दिए, उसके बाद सुधा कुमारी थी वहाँ की, तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया आप जाइए, हम लोग चले आए, जैसे ही अराइवल था वहाँ का जमा करना था लाइन में, लाइन पहुँचने वाले थे उसी दिन जो है हम लोग को जाएगी, तुरंत बुलाई सुधा मैम, फोन करके धोखे से बुलाई कि आपका कुछ काम बाकी रह गया आप आइए यहाँ, फिर हम लोग वापस गए वहाँ, तब तक वहाँ देखते हैं डीएसपी सर आए हुए हैं, वहाँ के थाना प्रभारी जो है तो ये नीरज कुमार वो आए हुए हैं, 2-3 महिला पुलिस है, 4-5 जो है कि जेंट्स पुलिस है, सारे लोग आए हुए थे, फिर अच्छा, मैं कितने वेट की कितने दिन पहले आपकी लड़की का पोस्टिंग वहां हुआ था? कहाँ पे, ये खगड़िया में, जी, जहां पे ये घटना खगड़ हुआ उस थाने में। वहां पे पहले 25 दिन की थी, अभी 20 दिन हुआ था। अच्छा, इससे पहले किसी लड़की के साथ ऐसा घटना पता चला है आप लोगों को? अच्छा, नहीं ऐसा घटना कुछ पता नहीं चला है, 3 महिला लेकिन कॉन्स्टेबल और जो थी उस सबका क्या कहना है इससे? उन लोगों का कहना है कि हम लोग तो रूम में हमको बंद कर दिया गया, हम लोग तो उसको देख भी नहीं पाए, जब भाग गया वो हम लोग देख नहीं पाए, जी और वो 2-3 दिन से चक्कर पहले भी काट रहा था, हम लोगों को गलत तरीके से देख रहा था, लड़की तो ड्यूटी पर थी उसके बाद भी वो चला रहा था, रूम में आके बैठ जा रहा था, एक लड़की अकेले थी, तो ऐसा ऐसा जी कंप्लेन वो लड़की लोग की थी, लेकिन कही कि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग के ऊपर भी ये लोग जो है कि ये करेंगे, डांट रहे हैं सर कि हम लोग को नहीं बोलना है कुछ, सारे लोग उन लोग को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग बोलोगी तो तुम लोग के साथ बहुत बुरा होगा, तुम लोग को सस्पेंड कर देंगे, उन लोग को धमकी दे रहा है तो वो लड़की तीनों अभी चुप है। जी, 3 लड़की और है उसको भी धमकी दे रहा है कि सस्पेंड कर देंगे अगर तुम लोग भी अगर साथ दोगे, कोई साथ उसका नहीं देगा। आपकी लड़की से भी बात करना चाहे तो कब बात हो पाएगी? अभी तो पानी चल रहा है, अभी किसी ठीक नहीं है, अभी लगता है सो रही है वो, पानी चल रहा है, ठीक है, हम कोशिश पूछेगी तो मैं बात करवा करेंगे। दूंगी। और ये ऐसा किया कि हम लोग को वहां महिला थाना से सारे लोग जबरदस्ती गाड़ी पे बैठाया हम लोगों को जबरन, और वहां से लेके फिर लेके लाइन में आया, पुलिस लाइन में लेके आया, पुलिस लाइन से फिर हम लोगों को लेके फिर गया महिला थाना में, लेके गया कि महिला थाना में रखेंगे इसको, महिला थाना में जैसे महिला थाना में बोली सुधा मैम, बोली कि यहाँ जगह नहीं है, वहां से फिर हम लोग को टाउन थाना ले गया, और टाउन थाना के बाद फिर हम लोग को महेशपुर ले गया, इतना टॉर्चर हम लोग को किया लगातार कि इस लोग को जो है केस वापस ले ले, बार बार वहाँ का विजय यादव है वहाँ के उपाध्यक्ष है कुछ है, वो बोल रहे थे कि आप सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं केस, आप जो है कि रफा दफा करिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाइएगा, और वो नहीं किए इसलिए सारे लोग हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। जी ठीक है मैडम, जब लड़की हो